Hello friend, welcome back to my channel and welcome back to yet another very interesting video. Yes friend, it is again on testing viral makeup hack from 5-minute craft. So, jaisa ki maine aapse kaha tha ki main next video mein fashion hack ya makeup hack se related kuch aapke liye video leke aaungi. To aaj main aapke liye leke aayi hu unke kuch viral makeup hacks and try karne ja rahi hu ki wo real life mein bhi acche hain, successful hain, work karte hain ya fir just for fun videos hain. So let's try it out. But before that, do subscribe my channel if अभी तक नहीं किया है तो please अब तो कर दो ना यार. और do share and like my video. Thank you so much. So let's get started. So I'm going to try this hack first, जिसमें एक girl ने यूपिन लिया है and उसे अपने lips पे ऐसे रखा and then उसके अंदर में lipstick apply की है उसने. तो let's try it. आपने मुझे ये लगाते हुए देखा ही, but मुझे तो कुछ खास समझ में आया नहीं है हैक. और जो उस गर्ल ने मतलब ट्राई किया है कि अगर वो लिपस्टिक लगा रही है और वो इधर उधर स्प्रेड हो जा रही है, तो फर्स्ट थिंग मैंने ये नोटिस किया कि कोई ऐसे लिपस्टिक तो लगाता नहीं है कि वो लिप्स पर अप्लाई कर रहा है और वो इधर उधर स्प्रेड हो जा रही है. लिपस्टिक तो अप्लाई हो गई लेकिन टफ है. अगर आप इसको पहले तो इस यू पिन को अपने लिप्स के अकॉर्डिंग स्प्रेड करो, देन अच्छे से सेट करो. अगर आपने अच्छे से सेट नहीं किया तो वो लिपस्टिक अल्टीमेटली अपर लिप्स पे लगी जानी है आपकी. वो तो उस गर्ल के पहले भी लग रही थी, तो कोई सेंस नहीं बना इसका. अच्छा वर्क नहीं किया ये हैक, तो थम्स डाउन फ्रॉम माई साइड. इससे अच्छा आप डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई कर लो अपने लिप्स पे, दैट इज़ बेटर. नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो. इसमें एक गर्ल ने आई शेडो अप्लाई करने के लिए आईलिड एरिया पे उसने एक बॉटल कैप का यूज़ किया है. तो फिलहाल तो मेरे पास कोई बॉटल कैप नहीं है, तो मैं अपने लिप बाम का कैप यूज़ करूँगी अप्लाई करने के लिए. एंड लेट्स ट्राई इट आउट कि ये कितना वर्क करता है, ये कितना सक्सेसफुल हैक होता है. तो यहाँ मैं ले रही हूँ अपना आई शेडो एंड ब्रश एंड देन अप्लाई. ओवरऑल ये कैप वाला हैक तो काफ़ी अच्छा निकला. किसी को डायरेक्टली आई शेडो अप्लाई करना नहीं आता है तो वो ऐसा ट्राई कर सकते हैं. तो अच्छा हैक है, यू शुड ट्राई इट. थम्स अप फ्रॉम माय साइड. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक, जिसमें एक गर्ल ने आलमंड लिया एंड उसको बर्न किया, देन उससे आईब्रो फिल के लिए यूज़ किया है. तो लेट्स ट्राई इट आउट. ये लाइटर मैंने स्पेशली ये हैक ट्राई करने के लिए परचेस किया है. सोचो वीडियो शूट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. बिकॉज मैस्टिक से अगर कर रहे थे तो 2-3 मैस्टिक लग जा रहे थे, फिर भी अच्छे से बर्न नहीं हो रहा था और बार बार हाथ में भी जल रहा था. लाइटर से थोड़ा सेफ है लेकिन अल्टीमेटली ये अनसेफ ही है. मेहनत करनी पड़े तो इससे अच्छा मैं एक आईब्रो पेंसिल बाय करना प्रेफर करूँगी और सजेस्ट भी करूँगी कि 50-100 रुपीज़ में इससे अच्छा हम आईब्रो पेंसिल बाय कर ले इतने जुगाड़ लगाने की जगह. राइट, ये तो काफ़ी रिस्की हैक लग रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ बट आप प्लीज ऐसा कुछ ट्राई मत करना जब तक कि बहुत मजबूरी ना आए. इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे तो ही अप्लाई करूँगी, अदरवाइज पता चला अप्लाई किया तो ब्रश ही जल गया या फिर डायरेक्टली अप्लाई किया तो आईब्रोज ही. भी काफी गर्म है, ब्रश पे तो आ नहीं रहा है. मैं सोच रही हूँ इसको डायरेक्टली अपने आईब्रो पे अप्लाई कर लूँ बट अभी काफी गर्म है, थोड़ा वेट करूंगी कूल इसके कूल होने का. ये जब तक ठंडा होता है मैं नेक्स्ट हैक के लिए आपको बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट हैक में क्या करनी हूँ करने वाली हूँ. इसके लिए मैंने ये कलर पेंसिल्स लिए हैं और इससे उस गर्ल ने काफ़ी अच्छा आईलाइनर लगाया है, कलरफुल रेनबो शेड का भी एंड अगर डबल शेड में लगाया है तो 2 शेड में भी. उसके लिए एक हल्का गुनगुना पानी लिया उसने और उसमें डिप करके रखा है 5 मिनट तक. तो तब तक मैं इस पेंसिल को इसमें डिप करके रख दे रही हूँ. जब ये ठंडा होके अप्लाई होगा तब तक मेरा शायद नेक्स्ट हैक रेडी हो जाए यूज़ करने के लिए. ना ये ठंडा हो चुका है और इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी.
वर्क तो कर रहा है, अभी भी ये हल्का गर्म है बहुत, जब तक ठंडा ना हो जाए यूज ना करें नहीं तो आपकी आईब्रोज जल सकती हैं। बट इट इज वर्किंग, हाँ सी द डिफरेंस, यहाँ आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा मेरे दूसरे आईब्रो के कंपैरिजन में। सो हैक तो काफी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि काफी रिस्की हैक है। पहले तो आप एलमंड को बर्न करोगे, और प्लीज इसे अगर बर्न कर रहे हैं तो सेफली बर्न करें, अदरवाइज हाथ में भी लग जाएगी, क्योंकि एलमंड काफी छोटा सा है, अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हाथ जलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद भी ये ठंडा नहीं होगा तो अप्लाई नहीं करना है, अगर गर्म है तो हमारे आईब्रोज साफ हो सकते हैं, जल सकते हैं। सो बेटर ऑप्शन है कि आप परचेस कर लो एक आईब्रो पेंसिल, या फिर आप इसके जगह पे आई शेडो या फिर काजल अप्लाई कर लो, वो बेटर ऑप्शन है अपने आईब्रोज पे। बट ये हैक है तो अच्छा, नॉट मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूँ इस हैक को, बट रिस्की हैक है, सो मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी। Now let's move on to our next hack. हो गए हैं इसको, अब मैं इससे अप्लाई करूंगी आईलाइनर। Wow, काफी अच्छा और इवनली स्प्रेड हो रहा है, इतना अच्छा लाइनर भी समटाइम्स मैं इसे अप्लाई नहीं होता, बहुत ही अच्छे से ये जो पेंसिल कलर है अच्छे से लिक्विड फॉर्म में हो गया है पानी में डिप होके, और काफी अच्छा अप्लाई हो रहा है। तो ये हैक तो मस्ट ट्राई है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अगर आप कुछ ड्रामेटिक लुक चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस हैक। काफी अच्छा लाइनर अप्लाई हुआ, अगर आपके पास कलरफुल लाइनर अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि आप रेगुलर ब्लैक कलर से हट के कुछ डिफरेंट लाइनर ट्राई करना चाहो और स्केच पेन है आपके घर पे, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, बहुत ही अच्छा हैक है। थम्स अप, बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड इस हैक को, तो काफी अच्छा हैक लगा मुझे। अभी तक मैंने 3-4 हैक ट्राई कर लिए, उसमें से ये बेस्ट हैक था ट्राई करने के लिए। आप इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, ये सिर्फ फोन वीडियो नहीं है। Now quickly move on to the next hack. उसमें गर्ल ने अपने डार्क सर्कल को अंडर आई के नीचे जो भी डार्क सर्कल है उसको हाइड करने के लिए लिपस्टिक लिया एज अ कलर करेक्टर, एंड देन उसके ऊपर अप्लाई कर लिया कंसीलर। सो लेट्स ट्राई इट आउट। मैं भी यहाँ पे रेड लिपस्टिक ले रही हूँ क्योंकि कलर कंसीलर भी रेड ऑरेंज ग्रीन कलर्स में होते हैं, तो मैं भी अपनी रेड लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ। ये फाइन अच्छा हैक है, हम लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं कलर करेक्टर की जगह पे, अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप अपनी रेड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद कंसीलर अप्लाई करो। डार्क सर्कल काफी हद तक मेरे हाइड हो गए हैं, काफी क्या काफी ज्यादा, तो अच्छा हैक है, यू कैन गो फॉर इट, थम्स अप फ्रॉम माय साइड इस हैक को भी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक, उसमें क्या किया, एक गर्ल ने इरेजर लिया रबर और उसे कट किया ट्रायंगल शेप में, एंड फिर उसे अपने विंग लाइनर लगाया। दिख तो बहुत ही अच्छा रहा था और इंटरेस्टिंग भी दिख रहा था, तो लेट्स ट्राई इट आउट कि सही में ये बन पाता है लाइनर या नहीं, या फिर ये कैसा हैक है। तो मैंने यहाँ पे अभी ऐसा बना लिया है और अब मैं ट्राई करूँगी कि ये सही में लगता है इससे लाइनर। कुछ खास समझ में नहीं आया, एक तो इतनी मेहनत की मैंने इसको बनाने के लिए, एंड जब ट्राई कर रही हूँ तो 2 टाइम अप्लाई कर लिया और ये फाइनली लगा कैसा है, ऐसा ऐसा लाइनर विंग लाइनर लगा के, इससे अच्छा बेटर है मैं ना लगाऊं, या फिर मैं 2-3 टाइम ट्राई कर लूँ इससे ही तो फाइन मेरा लाइनर अच्छा लग जाए। और यही सबके साथ भी है, इतनी आप मेहनत करोगे तो वो कैसे वो क्या हैक लगेगा, हैक से हमारी चीज़ें जो है और ईजी होनी चाहिए, तो उसने और टफ कर दी।
सो दिस अगेन दिस हैक अगेन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो मेरे साइड से इस हैक को भी थम्स डाउन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड. आई होप आज का मेरा ये हैक जो भी मैंने ट्राई किया वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको. और अगर आप चाहती हो कि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग हैक्स उनके ट्राई करूँ या आपके लिए लेके आऊँ, तो डेफिनेटली मुझे ये तो ज़रूर बताना कि आपको ये जो मैंने सारे मेकअप हैक्स ट्राई किए आज, उसमें से आपको बेस्ट कौन सा लगा. मेरे पर्सनल बेस्ट तो दो हैक लगे मुझे. ये एक पेंसिल वाला हैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड सेकेंड हैक जो अच्छा था वो था कैप वाला. ये भी आई शेडो काफ़ी अच्छा अप्लाई हो गया, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना अच्छा लग पाएगा. तो ये हैक एंड ये कलर पेंसिल मेरा पर्सनल आज का हैक में से मुझे मेरा फेवरेट रहा. तो आप भी डेफिनेटली मुझे बताओ कि आपको कौन सा हैक अच्छा लगा, या फिर आप अगर और कौन से हैक्स देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊँगी. सो टिल देन बाय बाय, सी यू सून.